मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड का आनंद ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा लेके आई हूँ जो लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कुछ ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज। आप बोल सकते हो कि बेसिकली बंगाली साड़ीज, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मेरी मम्मी साड़ी पहनती हैं, तो मुझे ज़्यादा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, इट इज देयर कि हेरिडिटी वाइज आपका साड़ी कलेक्शन जो है वो कैरिड ओवर हो जाता है। तो मम्मी की साड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है, पसंद है, पर मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। ओकेशनली मैं साड़ी पहनती हूँ, रेगुलरली नहीं पहन सकती, संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज के ब्लॉग में वही मैं कुछ ट्रेडिशनल इंडियन साड़ीज, बंगाली साड़ीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज के ब्लॉग को देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बटर सिल्क। आप देखिए कितनी सॉफ्ट है ये वाली बटर सिल्क साड़ी, कितनी प्यारी सी कलर है, इसमें फ्लोरल डिज़ाइंस बनी हुई है। सभी साड़ियाँ मैं जो दिखाऊंगी आपको वो 8000 ऑनवर्ड्स की ही हैं, एक्सपेंसिव साड़ी है। ये देखिए, ये बटर सिल्क की साड़ी है। एक पहली बटर सिल्क साड़ी आप देख चुके हो, ये है दूसरी वाली बटर सिल्क साड़ी। देखिए कितना प्यारा सा कलर है। और नेक्स्ट जो साड़ी मैं दिखाने वाली हूँ वह है काथा स्टिच की साड़ी। तो ये ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी है और इसमें जो बुनाई होती है वो हाथ से की जाती है। आप देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये करीब 10000 की होगी साड़ी। कितना प्यारा सा कलर है और आप पैटर्न्स देख सकते हो कितने अच्छे से बनाई हुई है। और भी काफ़ी काथा स्टिच की साड़ी है साड़ी के कलेक्शन में। ये वाली आप देखो कितनी प्यारी सी कलर है। एकदम ट्रेडिशनल। बढ़ती हूँ मैं दूसरे काथा स्टिच की साड़ी की तरफ। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है और देखिए इसमें बड़े बड़े फूल के डिजाइन्स बने हुए हैं।
ये सारे जो स्टिचेस है ना, तो हाथ से बनाए जाते हैं, तो काफी एक्सपेंसिव है ये साड़ी। अब मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ आपको तसर सिल्क से साड़ियाँ। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ तसर सिल्क की कलेक्शन। ये देखिए कितनी प्यारी सी कलर कॉम्बिनेशन है। तसर सिल्क की कलर है ये वाली, प्योर तसर की कलर होती है। और इसके साथ देखिए कितनी प्यारी सी कलर कॉम्बिनेशन है। ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी तसर साड़ी, और देखिए कितनी प्यारी सी है। पूरा बॉडी में ही आपको ये कलर मिलेगा और सिर्फ नीचे के पोर्शन में ये वाला ऐसे। और यहाँ पे सुंदर से टेंपल बने हुए हैं, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी है। नेक्स्ट और एक जो एकदम ट्रेडिशनल तसर होती है वो देखिए आप। ये भी तसर की है। मैं दिखाने वाली हूँ कलमकारी सिल्क। आप देखो ये वर्क जो है इसको कहते हैं कलमकारी। अच्छी से पैटर्न है और ये तसर सिल्क के ऊपर ही बनी हुई है। कितना प्यारा सा कलर है और वर्क देखिए, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। देखिए कितनी अच्छे से। बहुत प्यारा सा एक प्योर सिल्क की साड़ी भी मुझे मिली मम्मी की कलेक्शन में से, तो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा सा कलर है। ये गोल्डन थ्रेड से बना हुआ है, देखिए और एक साड़ी भी मुझे मिली मम्मी की कलेक्शन में, पर पता नहीं इसका नाम क्या है। ये देखिए ये भी सिल्क भी बहुत काफ़ी सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा उड़ीसा टाइप की साड़ी, देखिए कटकी प्रिंट की तरफ है, बहुत ही प्यारा सा है कलर कॉम्बिनेशन। और ये जो नीचे में ये बना हुआ है पार जो बना हुआ है, उससे साड़ी की खूबसूरती और भी निखर के आ रही है। ये थी ट्रेडिशनल साड़ी की कलेक्शन। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो और तब तक के लिए स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, जो इन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को जो आप लोगों ने अभी तक देखा उसको प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कराना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।